राधे राधे दोस्तों, आज मैं अपनी रसोई में आपके लिए व्रत में बनाई जाने वाली एक व्यंजन की रेसिपी लेके आई हूँ। अब देख लीजिए उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। ये आप जितनी बनाना चाहें, कम ज़्यादा, मैं थोड़ी बना रही हूँ। उबले हुए आलू हैं, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, आप काली मिर्च भी ले सकते हैं पीसी हुई, सेंधा नमक है ये व्रत वाला, देसी घी, ये सिंगाड़े का आटा और कुट्टू का आटा मिक्स है। अब सबसे पहले हम इसमें अपने आलू डाल लेंगे। आलूओं को अच्छी तरह से मसल लेना आप इस तरह से। एकदम इजी रेसिपी है, आप व्रत में इसे एक बार बना के खाइए, आप हमेशा आपका दिल करेगा आप इसी को खाएं। इसमें अपनी हरी मिर्च भी डाल देंगे हम, हरा धनिया भी डाल देंगे, और बिल्कुल कम सामग्री से बनाऊंगी मैं आपके लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है अपनी कई वीडियो में कि मैं ज़्यादा जो घर की ही सामग्रियां होती हैं उन्हीं से ही बनाती हूँ। अब इसको हम मसल लेंगे ऐसे। अगर आप आलू ना आपके ज़्यादा ठंडे हो गए हैं तो आप कद्दूकस भी करके डाल सकते हैं। एक साथ पानी मत डालना इसमें, थोड़ा धीमे धीमे करके पानी आप डालना। और आप मुझे ये भी बताना, मेरी रेसिपी देखने से पहले आपने ये कभी बना के व्रत में खाई है, और अगर बनाते भी हैं तो कैसे बनाते हैं। कि ये हमारा आटा मढ़कर तैयार है। मैं इधर गैस रखी रहती हूँ गर्म होने के लिए। मैं देसी घी डाल लेते हैं। देसी घी नहीं है तो आप रिफाइंड में भी डाल सकते हैं। कई लोग व्रत में मूंगफली का तेल भी खा लेते हैं, मूंगफली के तेल में भी आप बना सकते हैं। नारियल का तेल भी आप खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम अपने हाथों में थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे ऐसे। पहले मैं एक छोटी सी गाय की बनाऊंगी इस तरह से, ये देखिए। चेक करते हैं हमारा घी गर्म हुआ कि नहीं हुआ। अब हमारा घी बिल्कुल गर्म है, इसे इसमें डालते हैं। इस तरह से
ये देखिए हमारी व्रत के लिए पूड़ियाँ तैयार हैं। आप किसी के साथ भी इन्हें इंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं और मीठे दही के साथ भी खा सकते हैं। मैं इसके साथ किसी दिन सब्जी बनाऊंगी, प्लेन सब्जी के साथ भी आप खा सकते हैं इसको, आलू की। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी, सब्जी जो इसके साथ खाई जाती है। ये लीजिए पहली बाइट आप लोगों के लिए, बनाइए खाइए खिलाइए, स्वस्थ रहिए। अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।